हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर की। यहां पर देख सकते हैं एक डेटाबेस हमने बनाया है जिस डेटाबेस का नाम है न्यू नाम से हमने एक डेटाबेस बनाया है और फिर उसी के अंदर टेबल भी बनाई है। उस टेबल का नाम है स्कूल, यानी स्कूल नाम की टेबल है और न्यू नाम का डेटाबेस है। और इस डेटाबेस और इस टेबल के अंतर्गत हमने कुछ कॉलम्स भी बनाए हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। इसमें कुछ लिखा भी हुआ है, जैसे स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है और फिर क्लास का नाम भी लिखा हुआ है। तो क्लास के नेम में देख सकते हैं 8 है, 9 है, 11 है, 12 है, फिर 12 है और यहाँ पर कुछ नाम भी लिखे हुए हैं। तो अभी हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें एक ऐसी क्वेरी बनानी है जिसकी मदद से हमें ये काउंट करके बता दे कि कितने कॉलम्स हुए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, न्यू क्वेरी हमें बनानी है। तो न्यू क्वेरी बनाने के लिए यहां से न्यू क्वेरी पे आएंगे और न्यू क्वेरी पे आने के बाद यहां पर लिखेंगे सेलेक्ट, लिखा सेलेक्ट, सेलेक्ट कीवर्ड का यूज करने के बाद यहां पर दे देंगे काउंट, COUNT काउंट, ठीक है। तो यहां पर COUNT काउंट लिख देना है आपको और यहां पर ब्रैकेट को ओपन करना है और यहां पर स्टार सिंबल लगा देना है। जैसे स्टार सिंबल लगा देते हैं तो यहाँ पर अब आपको बताना होगा कि ये कहाँ से पिक कर रहे हैं आप। तो हमारे जो केस में टेबल का नाम है वो स्कूल है। क्या नाम है, स्कूल। यहाँ पे देख सकते हैं ये db.school दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ फ्रॉम db.school, db.school, स्कूल का एस कैपिटल है तो जैसे लिखा हुआ बिल्कुल वैसे ही आपको भी लिख देना है, ठीक है। ये लिखने के बाद क्या करना है, एक्सिक्यूट करवा देना है। तो ये एक्सिक्यूट करवा दिया, जैसे ही एक्सिक्यूट करवाया तो आप यहां पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ आ रहा है 5, यानी कुल मिला के कितने कॉलम्स हैं। मैं आपको काउंट भी करके दिखा देता हूं, ये देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 कॉलम हो गए। यहां पर कुछ चेंजेस करता हूं, लाइक यहां पर देखिए यहां पर और भी चीजें लिख देता हूं, जैसे लोकेश लिख दिया, ठीक है, ये क्लास 12th हो गया, ठीक है। फिर यहां पर आए सुमित लिख देते हैं, क्लास 9th कर देते हैं, अमित लिख देते हैं, यहाँ पर क्लास 11th कर देते हैं। तो ये हमने कुछ नाम बढ़ा भी दिए हैं। तो क्या हमने जो क्वेरी बनाई उसमें ये नाम जो है ये आएंगे, तो एक्सिक्यूट एक बार करवाते हैं। तो एक्सिक्यूट जैसे करवाया तो यहाँ पर कॉलम की संख्या अपने आप बढ़ जाती है, ये देखिए यहाँ पर कॉलम की संख्या 8 हो गई है। तो जैसे ही आप एक्सिक्यूट करेंगे क्वेरी को आपके कॉलम्स की संख्या बढ़ जाएगी। और अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉलम्स की संख्या हमें गिन करके बताइए, वो क्वेरी हमें बताइए जिसकी मदद से हम कॉलम की संख्या गिन सके, तो यही वो क्वेरी है जिसकी मदद से आप कॉलम्स के नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, ठीक है। आगे के वीडियोज के लिए देखते रहिए कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।